जितने भी लोग अपने बेटे, अपने भाई, अपने दोस्त, अपने यार चिंटू को सुन रहे हैं, प्रदीप पांडे चिंटू को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को तहे दिल से उनका चरण स्पर्श करता हूं, हाथ जोड़कर सभी का अभिनंदन करता हूं। और सबसे ज़्यादा आप सभी मीडिया कर्मियों का, जितने भी मेरे दोस्त यार मित्र बंधु जितने भी आए हैं, सबको तहे दिल से स्वागत है। चूँकि आज हमारे सुर संग्राम का जो घमासान चल रहा था इतने महीनों से, जितने बच्चे हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जितने भी मेरी भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, जितने भी गायक कलाकार जो यहाँ पर चुनकर लाखों करोड़ों को पीछे छोड़कर आज ये हमारे पांच रत्न यहाँ सेमीफिनाले फिनाले तक पहुँचे हैं, तो उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इनमें से जिसकी भी जीत होगी वो आज भोजपुरी का गायकी का एक सिरमौर बनेगा, एक ताज लेकर, एक बहुत बड़ा नाम, सुर संग्राम का टैग लेकर यहाँ से, पटना की धरती से जाएगा। और मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, हमारे बिहार का हो, हमारे या झारखंड का हो, किसी भी प्रदेश से हो, लेकिन जीत भोजपुरी की होगी, जीत स्वर की होगी। और मेरा दावा है कि जैसा कि हमारे मेगा स्टार श्री मनोज तिवारी जी ने कहा, हमारी भोजपुरी की मतलब उनके बारे में तो क्या ही, मेरे शब्द भी कम पड़ जाएंगे। कल्पना जी, विनय बिहारी जी और इस शो के रचयिता गजेंद्र जी ने जितनी बातें बताई है सुर संग्राम के बारे में, और जो इसके शुरुआती जो स्तंभ है हमारे मनोज जी, जिनसे ये सुर संग्राम का ये जो महामंच सजा और ये शुरुआत हुआ, आज हम लोग उस मुकाम पर हैं कि आज एक एक दर्शक, एक एक लोग इस शो से, हमारे इमोशन से जुड़े हुए। ये सुर संग्राम सिर्फ एक शो नहीं है। जब मैं इसको पहली बार मैं एज एन एंकर इस शो को कर रहा था, मेरे लिए बहुत बड़ा नया एक्सपीरियंस था ऐसे एक बड़े शो को होस्ट करना। और साथ ही साथ जब मैं होस्ट करने आया तो मुझे पहले लगा कि सिर्फ ये एक सिंगिंग शो होगा, जैसा कि हम टीवी पर देखते हैं इंडियन आइडल या बाकी चीज़ें, तो सिर्फ ये वैसे ही होगा। लेकिन जब मैं इस मंच पर खड़ा हुआ, जितने भाव हमारे कंटेस्टेंट से आए, मैं कसम से बताऊं कि हम उन सब के भाव से जुड़ गए। नहीं, हमके लागत रहे कि हमार आपन कहानी बा, हमके लागत रहे कि ये हर भोजपुरिया की कहानी बा, हर घर के कहानी बा, हमनी सब के अपना परिवार के कहानी बा, और ये मंच हमनी सब के बहुत कुछ दे रहे बा। तो बस आप सबके आशीर्वाद चाहिए। आपको क्या कौन लग रहा है, मुझे तो भाई पाँचों लग रहे हैं कि ये पांचों एक पर एक हैं। मैं खुद इतना कंफ्यूज हूँ, हमारे तीनों जज इतना कंफ्यूज हैं कि कौन जीतेगा, क्योंकि वो निर्भर करता है आज के प्रदर्शन पर। जिसका भी प्रदर्शन होगा तगड़ा और सबसे भारी वही जीतेगा, जिसका भी प्रदर्शन थोड़ा सा भी चूक होगा वो थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। धन्यवाद। भैया आप लोग खड़ा रहिए, मजबूरी में लग रहा है। आज सबसे ज्यादा जरूरी बात, एगो प्रश्न तो सबसे बड़ा बा कि के जीती। बिल्कुल हमरा लगा तो बिहारी जीती। तो हम कैप्टन के रूप में भी यही चाहब, और वास्तव में जो बिहार के दो लड़का बड़ा सन किशन और राहुल, वो वास्तव में बहुत अच्छा बड़ा सन, लेकिन सबसे जरूरी बात है कि सुर संग्राम फिर से शुरू हो के फिनाले तक पहुंच गिल बा। एंड क्रेडिट गोज टू दिस मैन, ये है गजेंद्र सिंह, ये है जिन्होंने सारे गामा पा भी शुरू किया, यही गजेंद्र सिंह है जिन्होंने स्टार प्लस पे वॉइस ऑफ इंडिया किया, रॉक स्टार किया, म्यूजिक का महा मुकाबला किया, ये सब करने वाले ये हैं। और यही भोजपुरी का भी सुर संग्राम करते हैं। आज कोनो गांव में पूछ ला कि सुर संग्राम का बाटे तो सब कोई कह रहे सुर संग्राम भोजपुरी के इंडियन आइडल बाटे, ऐसे लोग कहेला भोजपुरी के सारे गामा बाटे। और वो करे वाले गजेंद्र सिंह चुपचाप खड़े रहते हैं, हम सबको आगे किए रहते हैं, तो हाँ मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि ये सब कहते रहे कि ये बेबी जो है ना सुर संग्राम, ये इनकी सोच है, इनकी मेहनत है, इनकी टीम की मेहनत है। और आज हम जब फिर पटना में सुर संग्राम के फाइनल होता, जैसे कि हमारे चिंटू कहलेस, अभी दिनेश लाल यादव भी किसे, कल्पना जी कहली, कुल मिला के गांव गांव के जो टैलेंट बाटे ओके निकालल हमनी के उद्देश्य बा।
ताकि और कोई के मनोज तिवारी बने में, पवन सिंह बने में, रवि किशन बने में, दिनेश लाल यादव बने में, कल्पना बने में, चिंटू बने में, कोई के प्लेटफॉर्म के दिक्कत ना हो। बाकी होकर किस्मत होकर मैं राहुल जी का नाम बहुत चल रहा है, लोकप्रियता उनकी जाती है, तो क्या लग रहा है सबसे ज्यादा फिल्म वाला कुछ बिहार में होगी? थोड़ा हवा भर ले राजा, वो हो जाए। अभी संग्राम भी हो सकता है। पिछले बार ऑडिशन के दौरान कुछ बच्चे आए बता रहे थे कि नई पहले से ही सेटिंग करता है।